आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ बेहद घिनौनी और भरोसा तोड़ने वाली वीडियो वायरल होती रहती है। कहीं रोटी बनाने में थूक का इस्तेमाल होता है तो कहीं जूस में पेशाब मिलाकर पिलाया जाता है। ये हरकत न सिर्फ बेहद घिनौनी है बल्कि किसी भी ग्राहक का दुकानदारों से भरोसा तोड़ने के लिए काफी है। ऐसी करतूतों से न सिर्फ तनाव पैदा होता है बल्कि कई बार मुश्किल खड़ी हो जाती है। आखिर कुछ लोग ऐसी घिनौनी हरकत क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या मानसिकता है, क्या कारण है, आज व्यक्ति विशेष में ग्राहक से घिनौनी साजिश का संपूर्ण विश्लेषण देखिए। ये कैसी मानसिकता, गाजियाबाद जूस में पेशाब, नोएडा रोटी पर थूक, बागपत रोटी पर थूक, शामली रोटी पर थूक, कन्नौज थूक से फेस मसाज, लखनऊ रोटी पर थूक। हर दिन किसी न किसी शहर से ऐसी घिनौनी तस्वीरों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते दिखते हैं। कहीं रोटी बनाने में थूक का इस्तेमाल होता दिखता है तो कहीं जूस में पेशाब मिलाकर पिलाया जाता दिखता है। ये भरोसा तोड़ने वाली हरकत न सिर्फ बेहद घिनौनी है बल्कि किसी भी ग्राहक का दुकानदारों से मोह भंग करने के लिए काफी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गाजियाबाद की चौंकाने वाली घटना। यहाँ एक जूस विक्रेता अपने ग्राहकों को जूस के अंदर पेशाब मिलाकर पिलाता रहा। मामला लोनी के इंद्रापुरी कॉलोनी का है। यहाँ आमिर नाम के इस आरोपी की फ्रूट जूस की दुकान है। इलाके के काफी लोग इस दुकान पर जूस पीते रहे हैं लेकिन इसके बाद किसी ने इसकी घिनौनी हरकत देख ली और पुलिस को शिकायत कर दी। आमिर की दुकान की तलाशी हुई तो पुलिस को दुकान के अंदर से पेशाब से भरकर रखी गई एक प्लास्टिक बोतल बरामद हुई। दरअसल आमिर और उसका नाबालिग साथी जूस बनाने के बाद इसमें पहले से भरकर रखा गया पेशाब मिलाते थे और फिर ग्राहकों को पीने के लिए देते थे। एक खुशी जूस कॉर्नर है जिस पर जो है ये बात प्रकाश में आई है कि ये मानव मूत्र मिलाकर पब्लिक में वितरित करते थे। तो पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जब उसके सामान की जांच की गई तो उसमें एक केन पाई गई जिसमें एक लीटर पीला पदार्थ था, जिसको उसके द्वारा खुद स्वीकार किया गया कि वो मानव मूत्र था। और उसके बाद वहाँ से सैंपल वगैरह ले लिए गए हैं और उनको भिजवाया जा रहा है उसके परीक्षण के लिए। आमिर सनाफ साबिर जो कि करीब 29 वर्ष का है और एक उसका बालअपचारी साथी है, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आमिर की इस हरकत के बाद से दूसरे समुदाय के लोगों में तो भारी गुस्सा है ही बल्कि दुकानदार भी हैरान परेशान है। साफ है कि दुकानदार और ग्राहक के बीच का भरोसा इस हरकत के बाद से टूटता दिखेगा ही। ऐसा ये कांड हो रहा है, ये पेशाब का क्यों हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। मतलब भाई योगी ने कहा सही कहा है, मतलब सही फैसला लिया है, मतलब और आज तो इस साक्षात प्रमाण मिल गया सामने। कोई हिंदू परिवार से होगा पर बाकी जब जानकारी इकट्ठे की तो यहाँ पे पता चला कि मुस्लिम व्यक्ति था और इसने मतलब यहाँ पे जो वीडियो बनाई जो देखा कि वो पेशाब कर रहा था पहले, तो उसके बाद 1.5 लीटर बोतल में इकट्ठा किया हुआ था। अच्छा ठीक है, तो जो लोगों की शिकायत मिली उसके आधार पर भी मैंने देखा पाया यहाँ पे कि वो जूस में मिला के उसे पिला रहा था। जब उसकी पिटाई हुई तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये बाथरूम है और हमारी सी गलती हो गई, तब तक एक्सेप्ट कर चुका था। उसके सामने कहा है उसने, मतलब 20 ग्राम मिलाता हूँ, मतलब जो है इससे टेस्ट आ जाता है, मतलब जो है उसके सामने कहा है उसने, मतलब सब में बड़ी बात है। ये जब छोटे होते हैं इनके मन में ये भरा जाता है हिंदुओं के प्रति, एक विशेष जाति धर्म के लोग, ये विशेष जाति धर्म के लोग, इन्हें हमें ये करना है, काफिर होते हैं, इन्हें सिखाया जाता है। इन्हें आगे ये हाँ ये हिंदुत्व के मतलब प्रति इनको भड़काया जा रहा है कि ये हम सिर्फ हम मुस्लिम समुदाय अपना धर्म है बाकी सब काफी रहे। जैसे मुझे बहुत अंदर से ऐसा मालूम पड़ रहा है, पता नहीं क्या बयान पिला दिया, क्या मैं पी रहा हूं। बनाने तो आए थे सेहत, लेकिन जैसे ही नेपाल चला बता रहे हैं कि मन खराब है, परेशानी ज्यादा खराब है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, यही वो दुकान है जिस दुकानदार ने यहाँ दुकान ली हुई थी। जो दुकान के मालिक हैं, जो इस घर के संचालक हैं, अब इस दुकान को यहाँ तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ जो ईंटें पड़ी हुई हैं, दुकान अभी बंद है। हालांकि जो आरोपी आमिर है और उसके साथी दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इस तरह की हरकत, चाहे वो थूक लगाकर रोटी बनाने की हो, चाहे वो पेशाब मिलाकर जूस बनाने की हो, इनमें आमिर क्यों नजर आता है, अमित क्यों नहीं नजर आता है। लोगों का कहना है कि कई बार उन्हें जूस के खराब टेस्ट की वजह से शक हुआ था लेकिन ये दुकानदार फ्लेवर मिला होने की बात कहकर इसे टाल जाता था, लेकिन बाद में इसने कबूला भी कि जूस में पेशाब मिलाता था। पुलिस ने आमिर और उसके नाबालिग साथी को गिरफ्तार कर लिया है। के साथ इनकी इम्यूनिटी इस
तरीके से कमजोर करी जाए और इनका धर्म भ्रष्ट किया जाए, ताकि और इनको पैसा दिया जाता है कि तुम लोग ऐसा करो। किसी हम हिंदू के रहे आठ, ये उसके 12 लगा देते हैं, तो सीधी सामने वाला भी हवाई किराया दे देते हैं, तो घुसे जानबूझ के हिंदू मार्केट में। हमारा अपील ये है कि हिंदुओं को भी इन लोगों को दुकान वगैरह दी नहीं जाए, हिंदू मार्केट में घुसने ही नहीं दिया जाए। अब आपको दिखाते हैं कन्नौज की ये तस्वीर, जहाँ एक शख्स सैलून में मेकओवर के लिए गया था, लेकिन उसे वहाँ जो ट्रीटमेंट मिला वो बेहद घिनौना था। दरअसल ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर अच्छा खासा वायरल हुआ था। इस वीडियो में सैलून पर काम करने वाला यूसुफ फेस मसाज करते हुए थूक मिलाता हुआ दिख रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि यूसुफ मसाज करते हुए हाथों पर थूकता है और फिर ग्राहक के चेहरे पर मसाज करता है। हालांकि इस मामले में आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और 1 महीने पहले तालाग्राम इलाके में उसकी दुकान पर बुलडोजर एक्शन भी हो चुका है। अब आपको दिखाते हैं बागपत की तस्वीरें। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इन तस्वीरों में एक शख्स तंदूर में रोटियां बनाते वक्त रोटियों पर थूकता दिख रहा है। बागपत के गुलजार होटल की इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे ये शख्स रोटी पर थूक कर अपनी जिहादी मानसिकता दिखा रहा है। ऐसी ही तस्वीर सहारनपुर में भी दिखी थी। यहाँ भी दस्तरखान नाम के एक होटल का कर्मचारी रोटियों पर थूक लगाता दिख रहा है। होटल जिसका नाम दस्तरखान, यानी खाने के लिए रखा गया साफ सुथरा इंतजाम, जिसे इस्लामिक कल्चर में पवित्र माना जाता है, वहाँ इस तरह की घिनौनी हरकत इन लोगों की मानसिकता पर सवाल खड़े करती है। ये कुछ गलत लोग कितने सही लोगों का भी भरोसा तोड़ते हैं। ऐसी ही कुछ घिनौनी तस्वीरें शामली के एक ढाबे से भी सामने आई थी। यहाँ भी एक कर्मचारी रोटी बनाते वक्त थूक का इस्तेमाल करता दिखा था। हालांकि पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर दी थी। यूपी में थूक लगाकर रोटी बनाने वाला मुद्दा अभी थमा भी नहीं था कि बरेली में थूक लगाकर फूल बेचने का मामला सामने आया। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अधेड़ शख्स पूजा फूलों और माला पर थूक लगाता दिख रहा है। वायरल वीडियो बरेली के शाहमतगंज चौराहे का बताया जा रहा है। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मोमोज की दुकान चलाने वाले शख्स का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में ये शख्स पैरों से आटा गूंदता दिख रहा था। बेहद घिनौनी इन तस्वीरों के बाद लोगों का गुस्सा भड़का था और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसी घटनाओं में ज्यादातर लोग एक विशेष समुदाय के रहे हैं, तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या किसी धार्मिक बहकावे की वजह से किया जा रहा था? क्योंकि किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा है, किसी धर्म में ग्राहक के साथ धोखा करना नहीं सिखाया गया है, तो आखिर कौन सी मानसिकता है जो इन लोगों को ऐसा करने के लिए बढ़ावा देती है? खुद मुस्लिम ग्राहकों ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। इससे बहुत फर्क पड़ता है, गंदगी अच्छी चीज नहीं है। गंदगी तो बिल्कुल गलत, तो गलत है थूकना भी और पेशाब करना भी। दूसरा दूर गंद आती है, सफाई आधा ही मान है, सफाई होनी चाहिए। गलत बात है, कोई ऐसा कस्टमर भी नहीं आएगा और नाम रखेगा कटेगा इस बात से कि कैसा कर रहे हैं इसके बारे में। गलत चीज़ है बिल्कुल, इस चीज़ से रुकना चाहिए हमें। वो कोई आदमी इस तरह की गलत करे वीडियो तो ये तो गलत ही है, गलत तो गलत ही है। तो व्यापार पे असर पड़ता है जी, व्यापार पे असर पड़ेगा इस तरह तो। कभी थूक जिहाद तो कभी खाने से खिलवाड़, नाई की दुकान हो या फिर जूस की, हर जगह से ऐसे घिनौने वीडियोज का सामने आना इस बात का संकेत है कि कोई न कोई तो वजह है जो ऐसी घिनौनी और खतरनाक मानसिकता को बढ़ावा देती है। क्या है इसके पीछे का मकसद? कहीं इसके पीछे कोई संगीन साजिश तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। बार बार सामने आने वाली ये हरकतें कई बार बवाल की वजह बन चुकी हैं, लेकिन इसके पीछे की मानसिकता और कारण क्या है, ये जानना सबसे अहम है। इन लोगों को तालीम दी जाती है इस तरीके से कि हिंदुओं के साथ इनकी इम्यूनिटी इस तरीके से कमजोर करी जाए और इनका धर्म भ्रष्ट किया जाए। ये ऐसा ये कांड हो रहा है, ये पेशाब का क्यों हो रहा है, इसीलिए हो रहा है भाई। योगी ने कहा सही कहा है, मतलब सही फैसला लिया है। मतलब आपस में जो आज भाई जा रहा है वो एकदम बिगड़ता हुआ जा रहा है। ये जो वीडियो, ये जो लोग कृत कर रहे हैं, इनके कृत करने से आपस में भाईचारा और दुश्मनी और पैदा हो रही है।
गन्ने के जूस में थूक मिलाकर देना, फालूदा में सीमन मिलाकर थूक लगाकर नान बनाना और अपने थूक से शख्स की मसाज करना। देश में पिछले कुछ समय से इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिन्हें देखकर लोगों को बाहर मिलने वाले खाने पीने की चीजों से घिन आने लगी है। ऐसे कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिनमें कुछ लोगों को घिनौनी हरकतें करते देखा जा सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह की हरकतें की जा रही है। कोविड के दौर में भी इस तरह की गंदी करतूतों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था, और शायद यही वजह है कि पिछले दिनों कांवड़ यात्रा के दौरान होटल और खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखने का विवाद पैदा हुआ था। इस विवाद ने बड़ा सियासी तूल पकड़ा था। हालांकि सही और गलत के पैमाने से अलग हटकर सोचे तो ऐसी तस्वीरें चिंता पैदा करती हैं। उस वक्त कई कांवड़ियों ने इस तरह की चिंता जताई थी। ऐसे लोग पर कुछ रीजन होते हैं, तो हम चाहते हैं कि प्रशासन उनकी जांच करके उनको सख्त से सख्त सजा दे। वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर समझदारी से दोनों समाज के लोगों ने सही निर्णय ना लिया तो दोनों के व्यापार बुरी तरीके से प्रभावित होने की कगार पर खड़े हैं। और शासन प्रशासन को भी चाहिए कि घटनाओं की आंतरिक गहराई तक बिना जाए हुए उन घटनाओं को सोशल मीडिया पर ज्यादा प्रभावित रूप से आने मत दें। फंडिंग के द्वारा ये कराया जा रहा है, जिससे जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा चलता है उसमें कहीं ना कहीं नफरत पैदा हो और आपस में हम लोगों को लड़ाने का काम चल रहा है। ऐसी मानसिकता वाले जो भी लोग हैं, जिस भी समाज के हैं, उस समाज को उनका विरोध करना चाहिए और समाज में उनको बैठने का कोई हक नहीं है, उस समाज को बढ़ चढ़ कर इस पे हिस्सा लेना चाहिए। यूपी के लखनऊ में थूक लगाकर मसाज करने के मामले में सैलून कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया, तो नोएडा से थूक मिलाकर गन्ने का रस बेचने वाले लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। कुछ महीने पहले तेलंगाना में सड़क किनारे फालूदा का ठेला लगाने वाले शख्स ने अपना स्पर्म फालूदा में मिलाकर बेच दिया था। ये मामला सामने आने के बाद आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा था। कुछ साल पहले यूपी के मेरठ से शादी फंक्शन में थूक लगाकर नान बनाने का वीडियो भी सामने आया था। ये सभी हरकतें लोगों की घिनौनी सोच को बयां करती हैं। अब सवाल है कि क्या इस तरह की घिनौनी हरकतें करना किसी मानसिक बीमारी का संकेत है? खाने पीने वाली वस्तुओं पर थूकते हुए दिखाई पड़ते हैं, नोटों पर थूकते हुए दिखाई पड़ते हैं, पानी में थूकते हुए दिखाई पड़ते हैं, मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले फूल मालाओं पर थूकते हुए दिखाई पड़ते हैं, या थूकने के अलावा अन्य प्रकार के जैसे पेशाब करना, इस तरीके के कृत्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा करने के पीछे लोगों की मंशा अमूमन ये होती है कि वो अपने आप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मशहूर करना चाहते हैं, और साथ ही साथ कई बार इसमें विकृत और कुंठित मानसिकता का भी योगदान होता है। इस पर ज्यादा और इसी के